बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब और सामईन, बीजी नाइन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। रियासती अखिलेती मालियाती कारपोरेशन के चेयरमैन जनाब मुख्तार हुसैन पठान ने आज बिदरी कारीगरों के मसाइल और इनका हल के पर मुश्तमिल एक मशवराती इजलास में शिरकत की, जिसका अहतमाम बिदरी हैंडीक्राफ्ट .com के सदर दफ्तर वाक़े मैलू क्रॉस पर मुनक़िद किया गया। नवाज में थोड़ा साइड में नवाज में नवाज भाई हटो। शहर के मुख्तलिफ मुकामात से आए बिदरी कारीगरों की कसीर तादाद देखी गई। मिस्टर मुख्तार हुसैन पठान ने पहली मर्तबा ज़िले बिदर के अपने दो रोज़ा दौरे के आखिरी दिन बिदरी सनत से वाबस्ता ख़ानदानों के माशी, तालीमी और सेहत आमा जैसे दीगर दरपेश हल तल संगीन मसाइल पर नोट लिया। मिस्टर पठान ने कहा कि इनकी हुकूमत इस कदीम 700 साल बिदरी सनत के ज़रिए रोज़गार फरहम की पाबंद है। उन्होंने ऐलान किया कि कारपोरेशन की जानिब से कारीगरों के लिए शुरू की जाने वाली मुतादाद स्कीमें से आगाही की गई। काबिले जिक्र बात यह है कि कारपोरेशन के चेयरमैन जनाब मुख्तार हुसैन पठान ने बिदरी हैंडीक्राफ्ट .com के जनाब मोहम्मद सलीमुद्दीन और समाजी कारकुन मोहम्मद इस्माइल जबीउल्लाह के खिदमात को सराहा गया। ज़िला बिदर के बीजेपी हरकियाती कायद व रुकन रियासती हज कमेटी जनाब रऊफुद्दीन कचेरी के अलावा दीगर बीजेपी कारकुन मौजूद थे। मैनेजर अखिलेती मालियाती कारपोरेशन ज़िला बिदर मिस्टर अकबर खान भी देखे गए। बिदर के दीगर मोजज़ीन शहर में काबिल ज़िक्र जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला खान, जनाब मोहम्मद मज़हर खान दुर्रानी, जनाब मोहम्मद सईद ख्वाजा मियाँ बिदरी वक्स, जनाब मोहम्मद अब्दुलसमद, जनाब मोइनुद्दीन, जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन इस मुशावती इजलास में शिरकत की। हिंदुस्तान के जितनी इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिले तो हमारे आवाम के लिए काम करने के मैं जनाब मोहम्मद सईद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अली जनाब रऊफुद्दीन कचेरी वाले माइनॉरिटीज को आपने यहाँ पे स्लम बोर्ड में एप्लीकेशन डाला है। रूरल में ठीक है, मैं इसके बारे में तैयार करता हूँ। स्लम बोर्ड में एप्लीकेशन डाले तो उसके लिए हमारे तरफ से भी हमें बच्चे निर्मलाना मंडली बोल के एक जरूरत है स्लम बोर्ड, उसे अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो माइनॉरिटीज को हम 1 लाख रुपये देने का हमारे तरफ से कर। अस्सलामुअलैकुम। बिदर के लोगों से मिलके मैं KMGC चेयरमैन होने के नाते से फर्स्ट बार यहाँ पे चेयर आ चुका हूँ। बिदर के लोगों से मिलने के बाद बहुत खुशी भी, यहाँ अमर और शांति के साथ में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सिख फारसी सब लोग भी भाईचारे के साथ में ये बिदरी वर्क जो बिदरी आर्ट वर्क है जो बम्बू से तैयार करते हैं सब ये बिदर से बिदर के हिसाब से बहुत अच्छा है। इनका इसके बारे में सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। ये हमारे देश की संस्कृति उतना ही नहीं
हमारे देश की संस्कृति को सारी दुनिया के अंदर लेके जा रहे हैं। इनको मैं बधाई देता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कला बची रहे और इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से जो सुविधा हो वो सुविधा दिलाने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमारी माइनॉरिटी तबका जिसके अंदर 90% ये लगा हुआ है तो उनके लिए भी खास करके ये वर्क कम होते आने के बाद में उनके लिए बहुत तकलीफ़ दिक्कतें भी झेलना पड़ रहा है, गरीबी की हालत में जूझ रहे हैं क्योंकि आजकल ज़माना डिजिटल का आ गया है। जो CLC राउटर आने के बाद में बीदर का जो कर्विंग करना रहे हाथ से उसे मार भी चुका है, लेकिन फिर भी जैसा जैसा डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके तौर पर आपको भी ट्रेनिंग देके कुछ उसे बिजली वर्क को हाथ से करते करते उसे डिजिटलाइजेशन भी लगाया जाए, इसका काम भी उसके काम के लिए भी अंजाम देने के लिए थोड़ी बहुत हम लोग समालोचना करके उसे बिजली वर्क को बचा के रखना है, देश की संस्कृति को बचा के रखने के लिए। और चेयरमैन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिला बिदर और साबिखा ग्राम पंचायत मेंबर रेकुड़गी जनाब सैयद रहमतुल्ला हुसैनी ने जिला पंचायत नए अखिलियतों के साथ मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में तनासुब आबादी के लिहाज से गुज़श्ता 5 सालों से होने वाली नाइंसाफियों पर तवज्जो दिलाई, जिस पर अखिलियती मालियती कारपोरेशन के चेयरमैन जनाब मुख्तार हुसैन पठान ने यकीन दिलाया कि वो जिला बिदर के अखिलियतों को स्लम बोर्ड की हाउसिंग स्कीम की तर्ज पर 1,00,000 रुपया अखिलियतों के लिए हाउसिंग स्कीम में दी जा सकती है।